नमस्कार, मैं सोनी ओझा, स्वागत है आपका NN24 न्यूज में। बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर दरभा ब्लॉक के ग्राम चंदामेटा में पहली बार कलेक्टर SP को देखकर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली है। दरभा इलाका कभी नक्सलियों की राजधानी कहलाती थी, नक्सलियों की यहाँ सरकार चलती थी। नक्सलियों ने इन इलाकों में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। नक्सली दहशत के कारण यहाँ कई अधिकारी नहीं पहुँच पाए। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल, जगदलपुर SP जितेंद्र सिंह मीणा आज चंदामेटा गांव पहुंचे, जहां तेजी से विकास हो रहा है। सड़क ना होने के कारण चंदामेटा कोई भी पहुंच नहीं पाया। नक्सली दहशत से लोगों ने अपने घर द्वार सब छोड़ दिए थे। अब चंदामेटा के आगे तक सड़क बन जाने से अब यह इलाका पूरी तरह विकास की ओर बढ़ रहा है। आज जगदलपुर से 50 किलोमीटर दूर चंदामेटा गांव में जन चौपाल लगाई गई थी, जिसमें प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या होना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर कलेक्टर रजत बंसल ने ग्रामीणों से चर्चा की। कई ग्रामीणों ने आवेदन भी दिए। वहीं इस इलाके में कैंप खुल जाने से सुरक्षा भी बढ़ी है। सरकार जिस प्रकार से चाह रही है बस्तर के अंतिम कोने तक विकास पहुंचे, वह विकास भी देखा जा रहा है। पहली बार कलेक्टर SP को मिलने से ग्रामीणों में खुशी देखने को मिली। यहाँ में अलग अलग विभाग यहाँ पर आए हैं, लोगों में एक भारी उत्साह हमको देखने को मिला है। वो पहली बार इतने लोगों के साथ उनका रूबरू हुए हैं, तो अलग अलग प्रकार की मांगें आ रही हैं, पंचायत चाहे वो पेंशन की मांग हो, राशन कार्ड की मांग हो, प्राथमिक शाला की मांग हो, स्वास्थ्य संबंधित मांग हो, तो उन सभी को पूरा किया जा रहा है। इस सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पर प्राथमिक शाला का भवन, आंगनवाड़ी भवन, खाद्य वितरण को लेकर के जो भवन की जरूरत है, गौठान का निर्माण एक हफ्ते के अंदर सब शुरू हो जाएगा। साथ में जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं उनको भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर राशन कार्ड दे दिए जाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक मॉडल पंचायत के रूप में विकसित हो, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी इसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। शासकीय अमले के द्वारा विभिन्न विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ा जा सके, इस दिशा में पहल करते हुए कलेक्टर साहब के साथ में, मेरे द्वारा DFO साहब के साथ में, डायरेक्टर कांगेर वैली नेशनल पार्क, अन्य जो भी शासकीय जिला स्तरीय अधिकारी हैं, सब मिलकर इस कैंप का आयोजन किए हैं। और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, निवासी हैं, उनके जो भी मूलभूत सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सभी सुख सुविधाएँ उनको उपलब्ध कराई जा सकें, विकास की योजनाएं निर्बाधित रूप से यहाँ पर संचालित की जा सकें, सुरक्षित माहौल तैयार हो सके, लोग प्रशासन और पुलिस के बीच में एक अच्छा विश्वास का माहौल बने। हम पढ़ाई करने जाते थे इसलिए उधर ही रहते थे सर, और हम लोग जो भी अगर इस जगह पर पढ़ाई कर रहा था सर, उनके परिवार वाले को सबको यहाँ गांव से भगा दिए थे। इस वजह से हम, मेरे परिवार वाले भी आज तक नहीं आए सर, और मैं 7 साल के बाद फर्स्ट बार सर यहाँ पर आया हूँ, जो कि प्रशासन के माध्यम से रोड बना, कैंप बना, इसके माध्यम बहुत अच्छा लग रहा है सर इस जगह पर आके।